काफी ज्यादा जो आप देख पा रहे हैं ईंट बजरी और सीमेंट से दीवारें बनाई हैं और ऊपर अगर आप दिखाएंगे तो एक तिरपाल लगाया है जो वाटरप्रूफ है जिससे पानी नहीं आएगा और उसके ऊपर हमने छप्पर लगाया है, छप्पर से हीट अंदर नहीं आएगी। तो अब आने वाला मौसम जो है वो गर्म मौसम है और इस गर्मी को देखते हुए हमने इस तरह के आशियाने बनाए हैं। को पता है 3-4 दिन पहले जो मौसम खराब हुआ था आंधी और बारिश में जो अस्थाई आशियाने थे वो ज्यादातर अस्त व्यस्त हो चुके थे, उनको देखते हुए हमने स्थाई आशियाने बनाए हैं। और इन आशियानों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये आंदोलन बहुत लंबा चल गया, आज 110 दिन हो चुके हैं और अभी भी ये नहीं पता कि आंदोलन कितने टाइम तक चलेगा। तो इनको देखते हुए हमने ये अस्थाई निर्माण किए हैं जिससे न तो सड़क पे कोई नुकसान पहुंचाया है और अब हमारी ज्यादातर ट्रैक्टर ट्रॉलियां गाँव जाएंगी क्योंकि फसल का काम है। गल सी FIR दी, सानू कोई भी FIR दा नोटिस नहीं आया, नोटिस आ जाऊगा तो उहदी असीं सामना करांगे। गल रह गई दूजी उसारी दी, उसारी असीं जरूर करांगे। 23 मार्च दी साडी इक रैली आ बहुत तगड़ी शहीद भगत सिंह दे पिंड, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਛੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਔਰ ਛੱਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। अगर आप इस तरह की बात कहते हैं लोग कि ये आशियाने बना के आपने कब्जा कर लिया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से 100 मीटर आगे अगर आप देखेंगे तो सरकार ने पूरे हाईवे को खोद रखा है, खुदाई कर रखी है और उसमें सीमेंट और कंक्रीट की दीवारें निकाल दी हैं। तो अगर सड़क को किसी ने रोका है या अवरुद्ध किया है तो वो प्रशासन की तरफ से किया गया है, किसानों की तरफ से रास्ता ऐसे कैसे छोड़ रखा है, हमने एक साइड में इस तरह के निर्माण किए हैं। वो कहते भी लीगल नहीं, अनलीगल या पिछले साढ़े बैरीकेट इन्हें किए वो लीगल से, ये भी लीगल होना था नुआ, ये लीगल दिखाने लग पाया। जेड़े होर सारे थे तंबू पाए हुआ, छटा पाई हैं, पूरे कंप्लीट किते हुआ, वो लीगल या ये लीगल या साढ़े यारों लीगल या सीधा ना तो रहना इतना रहना और छत पाके रमा के। ये सिर्फ उस दिन तक के लिए बनाए गए हैं जब तक सरकार हमारे तीनों काले कानून रद्द नहीं करती और MSP पे हमें C2+50 फार्मूले से कानून नहीं बनाती।